बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.4 का सम नंबर हम 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 में सबसे पहले इवैल्यूएट बोला हुआ है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं आपको वो आइडेंटिटी जो 90 डिग्री वाली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की है वो क्लियर करनी है। तो पहले हमने ये दोनों को कॉम्बिनेशन में रखा था टेन थीटा एंड आप बोलोगे कॉट थीटा और यहां पे जो है कॉसेक थीटा एंड यहां पे सेक थीटा। बस ये ध्यान में रखना है बच्चा, ये इसमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहां पे भी साइन स्क्वायर है और यहां पे भी साइन स्क्वायर है, यहां पे भी कॉस स्क्वायर है, यहां पे भी कॉस स्क्वायर है, ये पहले समझ में आया। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो क्लियर है। तो जैसे ये क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चा, यहाँ पे अभी सबसे पहले हम इसको साइन में से कॉस में कन्वर्ट करो और इसको कॉस में से साइन में कन्वर्ट करो, लेकिन दोनों में एक ही की चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करना है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पे साइन चेंज किया तो आप कॉस यहां रखोगे, यहाँ पे साइन नीचे कॉस चेंज किया तो यहाँ कॉस ही रखोगे, एक ही समझ में एक ही चेंज करना है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस, आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63। ठीक है बच्चा, तो आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइन 27, साइन स्क्वायर 27, यहाँ पे मैंने लिखा साइन 90 माइनस 17, ये जो है वो, और आप बोलोगे कॉस स्क्वायर 73। आप बोलोगे सर एक बार आइडेंटिटी लिख देते तो अच्छा होता, तो यहां पे मैंने सिंपल क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर यहां आपने लिखा साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। क्लियर है बच्चा, तो यहां पे मैंने जो लिखा था वो साइन 63 है, तो मैंने ऐसे लिखा साइन 63 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 63। क्लियर है बच्चा। सेम वे यहां पे मैंने लिखा, आप बोलोगे सर यहां आपने क्या लिखा, तो यहां आपने लिखा कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब आपने यहां जो लिखा था वो कॉस 70 दिया हुआ है, कॉस 70, तो साइन 90 माइनस 70। क्लियर है बच्चा, ये हमने लिखा सेम टू सेम। ठीक है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि समझ के बिना हमने किया। ये हो गया, तो आप बोलोगे सर यहां लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27, यहां पे साइन स्क्वायर 27, यहां पे लिखोगे साइन स्क्वायर 73, यहां पे कॉस स्क्वायर 73। तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी है, थीटा मतलब ये दोनों एंगल भी सेम है, तो यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, हो गया हमारा आंसर 1। क्लियर है बच्चा, शांति से लिख के समझ के करना, ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक के बिना आपको क्लियर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, समझ के करो तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट सम इसमें अभी क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर देखो यहां साइन 25 है, यहां 65 है, यहां कॉस 25 है और यहां पे साइन 65 है। तो आप समझ लो इसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों साइन चाहिए, यहां पे दोनों कॉस चाहिए, जिससे क्या होगा, आप बोलोगे सर स्क्वायर होगा, क्या होगा बच्चा स्क्वायर होगा। तो हम करना शुरू करते हैं, लिखते हैं यहां पे साइन 25, इसको हम क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 65। आप बोलोगे सर आपने कैसे अप्लाई किया, तो यहां पे बच्चा लिखते हैं सर कॉस 65, तो आप लिखोगे कॉस ए इज इक्वल टू साइन माइनस 90 माइनस ए। तो आप बोलोगे सर यहां आपने लिखा कॉस 65 साइन 90 माइनस 65। तो बस बच्चा यही सर ने अप्लाई किया है, आप शांति से देखोगे तो वही अप्लाई किया है। अभी आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पे तो कॉस ही रखना है, कॉस 25, तो यहां पे आप बोलोगे सर यहां लिखो कॉस 90 माइनस 65। क्लियर है बच्चा, जैसे ये करोगे तो साइन 25, यहां पे भी साइन 25 हो जाएगा, माइनस करके सर ने लिख दिया कॉस 25, और यहां पे भी आप लिखोगे कॉस 25, साइन इंटू साइन, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर 25, यहां पे कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर 25।
अभी आप बोलोगे सर देख के तो आइडेंटिटी फिर से यही लग रही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप बोलोगे सर ये दोनों स्क्वायर भी है और थीटा सेम है तो आप लिखोगे 1, वो आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी बच्चा, बस वही मेन पॉइंट था, शांति से अच्छी तरह लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे नई एक्सरसाइज के सम की ओर, 4 नंबर के सम की ओर, तो अच्छी तरह लिख लो, उसके बाद मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है बच्चा, मिलते हैं नए टॉपिक में नए एक लेक्चर के साथ।